हेलो फ्रेंड्स, हम वेजिटेबल उपमा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सामग्री लगेगी गाजर, वटाना, कांदा, रवा, मिर्ची, कड़ी पत्ता है, उड़द दाल। तेल हमने गरम करने रख दिया है। उसमें जैसे ही तेल गरम होगा हम राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, उड़द दाल, कड़ी पत्ता, मिर्ची कड़ी पत्ता, कांदा, बटाना, गाजर, इसे थोड़ा तेल में पकने देंगे। देख सकते हो वेजिटेबल थोड़े से पक गए। कांदा का जो कलर है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हम इस स्टेज पे रवा डाल देंगे और हिलाएंगे। रवा डाल के हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे सबको और शेक लेंगे। हमें रवा को स्लो तेज आंच पे सेकना है, तेज आंच पे रवा जल जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे उसमें और इसे भी सेक लेंगे, सेकने देंगे। थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो जाएगा रवा का, उस स्टेज पे हमें 3 गुना पानी डालना है इसमें। अब देख सकते हो कलर थोड़ा चेंज हो गया है हमारे रवा का और सब्जियां भी पक चुकी है इस स्टेज पे रवे के साथ। अभी हमें मोटा वाला सूजी रहेगा तो 3 गुना पानी डालना है और बारीक सूजी रहेगा तो 2 गुना पानी डालना है। और गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी आप डालोगे ना तो इतना रवा प्रॉपर होगा नहीं। पूरा पानी सोखने तक हमें रवा को हिलाना है। पूरा पानी सोख लेगा धीरे धीरे वो और फुल भी जाएगा हमारा रवा। आप देख सकते हो हमारे रवे ने पूरा पानी सोख लिया है। इस स्टेज पे हमें 1 चम्मच घी डालना है इसमें। घी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और हमें ये रवे को भी मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो हमारा उपमा रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में निकाल देंगे उपमा को। हमारा उपमा पूरी तरह रेडी है सर्व होने के लिए। देखिए कितना कलर बेहतरीन आया, कलरफुल कितना दिख रहा है वो। एंजॉय द ब्रेकफास्ट।